मैं उदय फौजी फिजी का ट्रेन ग्वालियर से। आज का जो वीडियो है बहुत अच्छा पॉइंट है कि रनिंग में हम पंजों को किस प्रकार से लैंड करें, मतलब रनिंग में आप पंजा किस प्रकार से आप रखें बहुत जरूरी है। क्या है कि सबसे ज़्यादा जरूरी है कि आप पंजों को लैंड किस प्रकार से करते होंगे, ये जरूरी है। देखो लैंडिंग में टो रनिंग, मतलब कुछ लोग क्या करते, टो रनिंग होती है, इसमें रनिंग करते समय क्या होता है, पंजे दो प्रकार से आते हैं, तीन प्रकार से पंजे भी आते हैं, कई लोग रखते थे, लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा दो प्रकार से टो रनिंग। कई लोग बोलते हैं कि आप पंजे पे दौड़ो, काफ़ी लोग बूढ़े बुजुर्ग होंगे, आप दौड़ रहे होंगे, वो आपको सलाह देंगे नहीं पंजे पे दौड़ो। मैं उन बच्चों को बता देना चाहता हूँ कि टो रनिंग मतलब पंजे की रनिंग कंटिन्यू 1600 मीटर कोई नहीं कर पाएगा। क्या करोगे तो ये आपके कर भर जाएंगे आपके और रनिंग नहीं बन पाएगी आपकी। जो टो रनिंग हमेशा कितने होती हैगी, 100 मीटर, 200 मीटर और 400 मीटर लास्ट। टो रनिंग में 1600 मीटर का इस्तेमाल हम सिर्फ ओनली फॉर फिनिशिंग के लिए करते हैं। जब हम फिनिशिंग करते हैं उस टाइम आपको 100, 150, 200 मीटर जब आप लास्ट का फिनिश करते हो उसमें टो रनिंग करनी है आपको। आपको रनिंग करनी क्या है, सबसे बड़ी बात आपको गलती बताऊंगा। इस फोटो के माध्यम से आप देख सकते हो जो आपकी गलती हो रही है, फोटो के माध्यम से देखो कि धावक क्या करते हैं तकरीबन दौड़ते समय उसकी रनिंग क्या होती है, एड़ी आती पहले। जब एड़ी की रनिंग जो हम लोग करते हैं वो कभी ख़राब नहीं होती है, लेकिन क्या होता है हमारे आपकी एक वो बनती है इतने गैप में, अगर आपकी एड़ी की रनिंग हो रही है, अगर आपकी पहले एड़ी आ रही है तो ठीक है, लेकिन अगर इसी स्टेप को हम किसी बच्चों को काटने के लिए जब हम 1600 मीटर रनिंग करते हैं और किसी को काटते हैं कि क्या हम क्या करते हैं अपने स्टेप को लंबा कर देते हैं। जब लंबा कर देते हैं तो हमारा क्या है, लेग सीधा हो जाता है और यहाँ पर हमारा दर्द बैठ जाता है और बॉडी मूवमेंट ऊपर से बॉडी का मूवमेंट क्या हो जाता है, हमारा पीछे चला जाता है। ये विशेष क्या होता है कि एडी की रनिंग में क्या होता है, आप जैसे कर दिया आपका बॉडी मूवमेंट क्या पीछे चला जाएगा आपका, तो यहाँ पर क्या होता है आपकी रनिंग का रिदम खराब हो जाता है। अभी बात आती है कि हम अपने पंजों को किस प्रकार से लैंड करें। लैंड करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या होता है, आप वीडियो के माध्यम से देख सकते हो और फोटो के माध्यम देखो इसके अंदर करके देखो। लैंडिंग करते समय सबसे पहले क्या करना है आपको, मेन जरूरी है आपके जो 4 नंबर और 5 नंबर जो आपकी फिंगर्स होती हैगी, ये जो फिंगर है ये आपकी 4 नंबर और 5 नंबर ये फिंगर है। सबसे पहले क्या करना है आपको, इस प्रकार से ये पंजा 4 नंबर और 5 नंबर फिंगर को लेके आना है, फिर ये अंगूठा टच करना है, ये हमेशा क्या करना है लैंडिंग ये होनी चाहिए, लैंडिंग ये जैसे ध्यान रखें इसके ऊपर, जैसे ध्यान रखें तो आप देखो कि आपके पाँव में दर्द नहीं आएगा, आपका पाँव में दर्द नहीं आएगा और आपकी जो स्टेप है काफ़ी लंबे होंगे, जिनकी स्टेप छोटे पड़ रहे हैं उनके स्टेप काफ़ी लंबे हो जाएंगे और आपको बहुत फायदा होगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो शेयर पक्का करें। जय हिंद दोस्तों, भारत माता की।